व्हाट्सअप गाइस, बैंडर गेमर्स यार। तो आज भाई अपन खेले जा रहे हैं GTA 5 का वो मोबाइल मोड जो कि तुम्हारे भाई ने यानी कि मैंने खुद ने बनाया। और भाई फ्रैंकलिन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से, हटो। फ्रैंकलिन यहाँ पे आ गया। तो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, अभी मैंने मैप खोल लिया और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपन को अभी सैन एंड्रियास जाना है। अभी अपन लॉस सैंटोस के किसी बगल वाले गांव के अंदर है, मतलब मेन लॉस सैंटोस सिटी के अंदर नहीं है, बस किसी गांव के अंदर है। जैसे आपको पता है, ये ड्राइवर किसी गांव गांव में रहता है, छोटा सा गांव है ये। तो मैं किसी और की गाड़ी लेकर अभी के टाइम पे जा रहा हूँ सैन एंड्रियास सिटी के अंदर, बिकॉज अभी अपने पास है 1,25,000 डॉलर्स। अगर तुम इसको हिंदी में बोलो तो 1,25,001 डॉलर्स, जो कि एक जंप के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 293 डॉलर्स मिल गए मेरे को एक जंप के बाद, जो कि थोड़ी देर में वापस गायब हो जाएंगे। तो हंसने की बात, हंसने की बात नहीं है इसमें। अभी थोड़ी देर बाद ही वापस गायब हो जाएंगे। अभी देखो, जैसे मैं इस बाइक से नीचे, जैसे ही बाइक लैंड करेगी वापस बढ़ जाएंगे। एज यू कैन सी, थोड़ी सी देर के अंदर मैंने 1,000 डॉलर कमा लिए, बट ये भी थोड़ी देर में वापस गायब हो जाएंगे। मेरे पास वापस वही बैलेंस हो जाएगा 1,25,001 डॉलर्स, नॉट रुपीज़, डॉलर्स है, डॉलर से याद रखना है। मैडम आपके पास इतनी चिखाई जा रही है, चलाओ ना। अरे भाई भाग क्यों गई? अरे यार ये मरवाएगी, सीमेंट ट्रक को मारो गोली। तो गाइज़, ये वो जगह है जहाँ पे हमें जॉब करनी है, बिकॉज इतने से पैसों के अंदर कुछ नहीं होता। तो गाइज़, मैं जो जॉब की मालकिन है उनके आने के बाद तुरंत तुमसे मिलता हूँ, तो ठीक है। सो ओके गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस आंटी के साथ इनकी जगह पे आ सकता हूँ। आंटी के साथ पास है AMG मर्सिडीज़, तो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं। तो आंटी बोल रहे, कोई भी गाड़ी सिलेक्ट कर लो और तुम अपनी जॉब पे लग जाओ, उसमें कोई यूनिफॉर्म वूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लग रही है, बिकॉज सबके पास यही है। तो अपन भी सबके जैसा दिखिए, अलग नहीं बनना चाहिए, गलत बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैं इस गाड़ी को लेता हूँ, और सर आ जाइए, सर बैठिए प्लीज़, अपनी टैक्सी समझिए। तो गाइज, मैं इनको ड्रॉप करने के बाद देन मैं तुमसे मिलता हूँ। सो गाइज, मेरे आज तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो जो टैक्सी थी वो पहले किसी और ने, मतलब उसकी कुछ दिक्कतों के कारण वो टैक्सी हमसे छीन ली गई है, और अब ये टैक्सी हमें दी गई है। तो मैडम आइए बैठिए, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। ओ मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया मत। अबे 17 डॉलर देते। सो की अंकल है, ओ ओ ओ सॉरी अंकल, सॉरी आप मर गए, सॉरी सॉरी, कोई नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस अंकल को भी छोड़ के यार थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, देन मैं तुमसे मिलता हूँ, वरना पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा यार, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ओके सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्सी मिशन नहीं कर सकता बिकॉज़ वहाँ पे, अरे मैडम आप उतरो प्लीज़ एक बार। तो गाइस, मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ वहाँ पे जो मैंने, मेरे से एक गलती से एक आदमी मर गया था, जो एक कस्टमर मर गया था, वो इस टैक्सी में आगे, पता नहीं कोई छोटा सा हिडन कैमरा लगा हुआ है। मेरे पास उस मालकिन का फ़ोन आया और उसने बोला कि सर आप अपनी टैक्सी, मतलब मेरी टैक्सी मेरे को वापस दे जाओ, एक कर लो ताकि जो पेट्रोल का खर्चा है वो निकल जाए। मैंने वैसे इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दिया। वही नहीं यार, अब एक बंदे को उठा लेते हैं और इस टैक्सी को छोड़ देते हैं। भाई यार बहुत गलत बात है। तो ये मैडम है, आ जाओ मैडम आपको छोड़ दूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे से मैडम ने टैक्सी ले ली और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और वो जो मैडम मेरे साथ लास्ट में बैठी थी, उसने बोला था तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, तो तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है उसको एक बंदे की ज़रूरत है जो कि उसके कार शोरूम को टेक केयर कर सके, मतलब कार शोरूम के टेक कर सके। तो अब वो बोल रही है कि तुम्हें अच्छी खासी इनकम दे देगा, बिकॉज तुम्हें गाड़ी चलाना बहुत अच्छी आ सकती है, और तुम जानते ही हो अपन पीरो है। बट दिक्कत ये है ना कि उसकी जो दुकान है वो सैन फ्यारस में है, और सैन फ्यारस यहाँ से बहुत दूर है, जिसके लिए मेरे को कोई गाड़ी चाहिए। और अब मैं अपने गाँव से भी बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, अब गाँव तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से किसी की गाड़ी ले लूँ। मैडम 2 मिनट, मेरे को अभी गाड़ी चाहिए, प्लीज़ आप देंगी गाड़ी? ओह थैंक यू मैम, थैंक यू। भाई ऑडी है, टीटी है शायद, टीटी है, ऑडी टीटी, छोड़ो उसको, अपन चलते हैं अभी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे किसी की मर्सिडीज़ उठा ली है, कि बिकॉज वो मेरे को ऑडी बेकार लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था उसका साइलेंसर, मैडम ने मेंटेनेंस नहीं करवा रखी थी। ओ ओ CCTV कैमरा। तो यहाँ पर मैं जो इस दुकान का, मतलब शॉप का मालिक है, बैंक कार्स नाम है शोरूम का, तो यहाँ के उस पर जो मालिक है वो मेरे को लगता नहीं यहाँ पर है, और मैं इसको तोड़ दूँ। गाड़ी अंदर कैसे आएगी बॉस? लेकिन हो सकता है वो मेरी पगार में से काट ले। तो कोई नहीं गाइस, उसके आते ही मैं देन तुमसे मिलता हूँ, बातचीत कर लूँ उससे। सो ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मालिक। अरे मालिक साहब 2 मिनट रुक तो जाओ, आ रहा हूँ मैं। मानता हूँ कि मैं तुम्हारे अंडर में काम करूँगा, लेकिन थोड़ी तो इज्जत दो, अपने नौकरों से तमीज़ से बात करनी चाहिए। नौकरनी? मैं इसका मेन आदमी हूँ। सो गाइस, मैं इससे बात करके देन मैं तुमसे मिलता हूँ।
ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इससे बात कर ली और ये कह रहा है कि तुम इस डेस्टिनेशन पर जाओ, वहाँ पे मेरी 6 गाड़ियाँ हैं, उसमें से कोई एक गाड़ी चला कर लेकर आओ और बाकी गाड़ियों की पेमेंट कर दूंगा मैं ऑनलाइन। बस तुम्हें वहाँ से एक गाड़ी लेकर आनी है, बाकी गाड़ियाँ वो खुद यहाँ पर डिलीवर कर देगा, लेकिन उसको एक गाड़ी तुमको लेकर आनी पड़ेगी। तो मैं ओके सर ओके, मेरी इनकम क्या होगी? बोला तुम पहले लेकर आओ, तो तुम्हारी सैलरी वैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। सो ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पलक झपकते ही पहुँच गया हूँ। अगर मैं तुम्हें रोड दिखाता तो तुम बोर हो जाते। तो ये 3 गाड़ियाँ हैं जिसकी 2-2 यूनिट हमारे बॉस साहब ने खरीदी है, 2 टेस्ला, 2 सिविक और 2 ये ऑडी A6 या फिर A7, पता नहीं कौन सी है। बट हाँ, अब मैं इस एक सिविक को लेकर जा रहा हूँ बिकॉज ये स्पोर्टी कार है और ये फटाफट पहुँच जाएगी। एक मिनट मैप में मार्क कर लूँ। सो ओके, हाँ सीधा रास्ता है, मेरे को पता है, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े हूँ बस मैं फ्लाईओवर के। तो गाइज़ उसने क्या हुआ कि वो 6 गाड़ी ले जा सकता है, ट्रेलर के अंदर 6 गाड़ी आ जाती है। बट क्या है कि जो उसका ट्रेलर है, मतलब वो जो ट्रेलर है वो ट्रेलर भी अपन ने ख़रीद लिया, और वो ट्रेलर जो जंक यार्ड है, मतलब जंक यार्ड है वहाँ पे आसपास खड़ा रहेगा और उसके अंदर 6 गाड़ी आ सकती है। अगर वो 6 गाड़ी डाल देता तो जो उसको बंदा है वो घर कैसे जाता? अब मैंने बोला कि यार हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो उसने बोला कि जो उसका एक चेला है वो अपनी गाड़ी लेकर आएगा, तो वो गाड़ी निकालेगा, बाकी गाड़ी अपनी, और वो अपनी गाड़ी के अंदर निकल जाएगा। तो 6:30 गाड़ी आने जाओ, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। तो ओके गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं 6:30 गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर, और इस गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है। मैं हमारे अपने बगल में ही वो है, एक कलर शॉप है, वहाँ पे वहाँ से मैंने कलर चेंज करवा दिया बिकॉज थोड़े बहुत स्क्रैच स्क्रैच आ गए थे। बॉस को नहीं दिखना चाहिए था भाई, वरना बॉस को पता चल जाता कि मैं थोड़ी गाड़ी तेज चलाता हूँ, बॉस निकाल देता मेरे को पहले दिन ही। तो यहाँ पर ये टेस्ला यहाँ पे खड़ी खड़ी है, दोनों सिविक यहाँ पे खड़ी है, बगल में एक ऑडी खड़ी है, ऊपर एक ऑडी और टेस्ला खड़ी है। तो भाई ये जैसा कि आप देख सकते हो अभी 1 बज रहा है, 2 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, 14:02 ही होता है, 2 ही बज गए। और टाइम बहुत जल्दी जल्दी क्यों बीत रहा है? बिकॉज मैंने ये क्लिप बहुत धीरे धीरे 1 टाइम से रिकॉर्ड करी है, बट मैं तुमको 2.5 टाइम से दिखा रहा हूँ। और भाई ये गाड़ी किसकी खड़ी है बाहर? बिल्कुल मेरी जैसी, जो मैं चुरा कर लेकर आया था बिल्कुल सेम वही है। तो इस गाड़ी को भी मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। और भाई ऑडी कहाँ गई? बॉस लेकर चले गए ऑडी। और भाई ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मैं लेकर जाऊँगा, बॉस को बता नहीं इस गाड़ी के बारे में। तो ओके गाइस, शाम हो जाए, रात होते होते 6:30 गाड़ियाँ बिक जाए, ऐसी दुआ करो तुम मेरे लिए। तो मिलता हूँ तुमसे बाद में, ठीक है ना? सो ओके गाइस, बहुत थकाने वाला दिन था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी ये टेस्ला का कलर चेंज हो गया है और एक गाड़ी बाहर खड़ी है, वो दोनों गाड़ियाँ जा रही है, अब ये दोनों गाड़ियाँ बची है। अब वो जो फरारी कॉपी है इस पर बॉस की नज़र पड़ गई, बोला इस गाड़ी को अंदर ले ले। मैंने बोला सर ये गाड़ी मैं लेकर जाऊँगा। उसने बोला $2 लाख दूँगा, 50,000 तेरी सैलरी भी साथ ही साथ दे दूँगा। ओके सर ओके, चलता है। सो गाइस, इस गाड़ी ये गाड़ी बची है बस, ये गाड़ी बॉस लेकर जा रहा है। बॉस बोल रहा है कि ये गाड़ी मेरे को पसंद आ गई, मैं इसको अपनी पसंद कर यूज़ करूँगा। और अभी ये जो बंदा आया है पोर्शे के अंदर, इसने अपनी बेटी को वो जो मर्सिडीज़ के सेडान है, उसने इसने अपनी बेटी को वो सेडान गिफ्ट करी है, और उसकी बेटी सेडान लेके रफू चक्कर, उसने उस पर पिंक कलर करवाया पीछे रीस्प्रे शॉप से, और वो रफू चक्कर गाइज भाग गई, और बेचारा अंकल वो पेमेंट कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 10 बज रहे हैं और बॉस कह रहा है कि एक काम कर, इस गाड़ी पे कलर चेंज करवा दे, वरना किसी को लगेगा कि कॉपी पे भी रियल जैसी फरारी का लुक दे रहा है। तो गाइस मैं इसका कलर चेंज करवा दूँ। अरे यार पर्पल नहीं, पर्पल नहीं, पर्पल मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ओ गजब लग रही है ब्लैक कलर की फरारी। सो यहाँ पे अब मैं इसको गाड़ी को नीचे उतारता हूँ। और गाइस ये कौन आ गया भाई अभी बंदा? अच्छा वो बंदा गया जिसने मर्सिडीज़ की अभी खरीदी वो। तो यहाँ पर अरे बॉस बाहर आओ, बॉस भाई गाड़ी तो बड़ी शहर है, तो बॉस को आ जान दो, देन बात करो भाई, बहुत थक गया हूँ मैं। तो ओके गाइस, बॉस कह रहा है कि तू जा अब यहाँ से, पूरा शोरूम खाली हो चुका है, मेरे को लगता है तू लक्की चार्म है, और वो गाड़ी तेरे लिए है, मैंने तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ, उस गाड़ी की पेमेंट मैं तेरे में से काटूंगा, तेरे $2 लाख जो कि उस गाड़ी के इस गाड़ी के बदले दिए हैं मैंने तेरे को, और तेरी जो सैलरी है $50,000, $2.5 लाख टोटल हो गए, मैंने इस गाड़ी के अंदर एक बैग रखा है उसको कर दिया। अब बॉस कह रहा है कि तू चाहे तो अपने घर चले जाए, वरना मैं तेरे को 2-3 जगह बता देता हूँ, तू वहाँ पर अपने रात काट सकता है, और बाकी दिन में तो तू कहीं भी चले जाए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओके बॉस ओके, आप इतना कह रहे तो ठीक है। और वैसे भाई अभी अगला दिन हो चुका है, 6 बज चुके हैं, अब क्या सोना भाई। लेकिन मेरा जो मैं मतलब जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, तो भाई मेरे को एक स्लीप चाहिए, मेरे प्रोटेक्टनेस को एक स्लीप चाहिए। भाई ये रिजॉर्ट इतना चूँ कैसा है, मारो गोली इस रिजॉर्ट को। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, नीचे उतर सकता हूँ मैं, 1 मिनट। ये ओ ब्रो ब्रो ब्रो, आराम से आराम से। सो देखो मैं तुम्हें बताऊँ, 100 माइल्स होती है 160 किलोमीटर पर आवर,
तो अब देख लो तुम 160 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है ये बच्ची सी गाड़ी। तो मैं एक काम करता हूँ, सैन पियारास के अंदर ही कोई काम मतलब काम क्या कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जिसमें कि मैं अपनी रात गुजार सकूँ। सच बात है ये तो। ठीक है ओ भाई आराम से। ओ डैम व्हाट डिड आई जस्ट डू। तो यहाँ से मैं थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पे भाई। यहाँ पे क्या बताइए कौन सी जगह बताइए बॉस ने। अरे बॉस यहाँ पे क्या। ओ शिट मैं गिर गया। यहाँ पे पुल के नीचे काटूंगा आपने सीरियसली व्हाट। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, कोई जगह मिल जाए मेरे को रात काटने के लिए। वैसे फिलहाल तो अभी 9:30 हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं गाड़ी को नीचे कूदाऊँ एक मिनट कूद जा। ओ ये तो यहाँ से मैं गाड़ी को यहाँ पे लगा दूँ। नहीं लेकिन यहाँ पे यार अगर शटर खुला तो देन मुसीबत हो जाएगी। इस गाड़ी का थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ मैं। तो एक मिनट मैं गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दूँ, देन मैं तुम सबसे आराम से गाड़ी को पार्क कर करा कर फिर बात करता हूँ ठीक है ना। रुक जाओ 2 मिनट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दिया। मैं इस गाड़ी को थोड़ा साइड से लगाऊं ताकि मैं डिग्गी खोल के चेक कर सकूं मेरे $2.5 लाख वहाँ पे है कि नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट बस। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 2 मिनट के अंदर गाड़ी लगाई लेकिन आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो यहाँ पर मैंने डिग्गी खोल के जो पैसे हैं वो अपने साथ रख लिए। अब मेरे पास $1,25,000 से $3,75,000 हो चुके हैं और $24 पता नहीं मेरे को कहाँ मिल गए। लेकिन कुछ नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो 12 तो बज चुके हैं, 10 बजे शोरूम्स खुल जाते हैं, मैं 2 घंटे लेट हूँ, बॉस मेरी तनख्वाह काट देगा। लेकिन मैं लकी हूँ, मेरे को लग रहा है वो मेरे को तनख्वाह काटेगा नहीं। चलो कोई नहीं, मैं अपने बॉस के शोरूम पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि क्या काम हो रहा है। और भाई ये रेलवे ट्रैक बहुत सही चीज़ है, मतलब यहाँ पे पता चल जाता है मेरे को। और भाई मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा रिपेंट भी करवा लूँ बिकॉज स्क्रैच स्क्रैच आ गए हैं। और मतलब दूसरों की गाड़ी के लिए मैं स्क्रैच स्क्रैच हटवा सकता हूँ, अपनी गाड़ी के लिए स्क्रैच नहीं हटवा सकता। मतलब क्या बात है, क्या बात क्या है। और तुम समझ नहीं पा रहे कि एक बार के अंदर इतना लंबा बोल रहा विदाउट एनी कट। मतलब मैंने पहले वीडियो शूट कर ली, मतलब स्टोरी लाइन बना कर पूरी वीडियो शूट कर ली। अब मैं बाद में एक सांस के अंदर वॉइस ओवर कर रहा हूँ और जब मैं बोल रहा हूँ ना ठीक है मैं मिलता हूँ वेट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर रहा, वहाँ पर मैं 1 सेकेंड का ब्रेक लिया। सच में यार बहुत मुश्किल होता है। प्लीज़ इसी बात के लिए अपने भाई की वीडियो पे एक लाइक छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं ये कुछ कांच वाच तोड़ दूँ ताकि जो डीलर लोग आएंगे मतलब जो मतलब कस्टमर लोग आएंगे उनको हमारा शोरूम दिखे और उसके अंदर लगी हुई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बेहतरीन गाड़ियाँ भी दिख जाए। तो ओके मैं यहाँ से ये वाला कांच तोड़ता हूँ, ये वाला भी तोड़ देता हूँ। तो ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी ये जो विंडोज़ है ये मैं तोड़ दी है और एक साइड वाली रही है, मैं सोच रहा हूँ इसको भी तोड़ दो, पूरा व्यू आना चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऊपर के विंडोज़ भी तोड़ने के लिए जा रहा हूँ लेकिन भाई सामने वाली कैसे टूटेगी। तो मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी का यूज़ ले लेता हूँ। अपनी गाड़ी किस काम आएगी, ऊपर पास में रिस्प्रे पेंट शॉप है तो वहाँ से कभी फ्री के अंदर करवा लो। और भाई लेकिन अगर टूट गई तो रिपेयर शॉप भी बनवा लेंगे, अपने बॉस को कहकर कि सर प्लीज़ गाड़ी रिपेयर करो। और भाई ये लो गाड़ी पलट गई, एक मिनट रुको मैं क्रेन से करवाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेन ने मेरी गाड़ी को सीधे कर दिया, मतलब क्रेन भी कोई छोटी सी मशीन है जो कि अपने बॉस के पास ही पड़ी है। तो पहले काम करता हूँ मैं, जो जितने भी साइड की विंडोज़ है ना ये हटाऊँ, बट इससे भाई साइकिल किसकी है। लेकिन बस यार इससे ये डर रहेगा तो मैं बॉस को कहकर ये वाले जो विंडोज़ मतलब ये जो विंडोज़ है ये पेंट्स है ये रिपेयर करवा दूँगा और बाकी जो विंडोज़ जो मैंने तोड़ी है उनको नहीं करवाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सब तोड़ता जा रहा हूँ ताकि मैं सामने वाले जो विंडोज़ है वो तोड़ दूँ। और बस यहाँ पे विंडोज़ विंडोज़ कुछ भी नहीं रहेगी। इस शोरूम को हमें डेकोरेट नहीं करना, इससे पैसा कमाना है। इससे पैसा कमा कर डेकोरेट करने के लिए हमारे पास हमारा नया घर भी है जो कि हम घर लेंगे, नया घर नहीं एक्चुअली बंगलो लेंगे अपन। पैसा बहुत है, पैसा हुंडा चीज तो जा बड़े रात पूरी तब तेरा बस एले रात पूरी तब। बिलो तू आ गया, बिलो तू आ गया, बिलो तू आ गया, बिलो तू आ गया। गाना बहुत गा लिया, गाना आता नहीं है चाहे। तो यहाँ से पेड़ पौधे भी हटाओ, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए बाहर, हमने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रखे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे शोरूम को क्लीन कर दिया। ये खुशखबरी मैं अपने बॉस को देता हूँ कि बॉस अब अपनी गाड़ियाँ सबको दिखेगी, तो आप जल्दी आ जाओ मैं आपका वेट कर रहा हूँ, रात हो चुकी है, एक दिन बर्बाद कर दिया मैंने इसके लिए। सो कि गाइस मैंने अब जस्ट अभी बॉस से बात करी, वो बोल रहा है कि भाई तू पागल है क्या, 3 दिन के लिए छुट्टी थी। मैंने बोला बॉस बता तो देते, बोला तेरा फ़ोन चेक कर। मैंने बोला सर फ़ोन नेट नहीं है मेरे पास, अभी टच वाला फ़ोन है मेरे पास, टच वाला फ़ोन है उसमें नेट नहीं डलता। बोला मैंने मैसेज करा था। बोला सर पैसे ही नहीं है, मैसेज रिसीव कहाँ से होगा, आपने कर तो दिया पैसे ही नहीं है। मेरे को $2.5 दे तो सही। बोला सर कोई शॉप ही नहीं पता मेरे को, मैं नया नया वो भी सेंट पेरस में, आप बता देते मेरे को।
फिर भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी 3 दिन की छुट्टी है। अब तुम सोच रहे हो कि तूने कॉल कहाँ से करा? अंदर लैंडलाइन लगा हुआ है, लैंडलाइन से कॉल हो जाता है बॉस को, ठीक है? तो अभी बॉस बोल रहा है अभी 3 दिन की छुट्टी है, तू जा, ये सेल्फ इनिंग विंडोज़ है, अपना आप सेल्फ फील हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। कोई नहीं गाइस, अपन चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो बॉस ने भी अपन को सेंट फेरेंस के अंदर लोकेशन बताई कि तू पैसे कल को खर्च करता है होटल होटल के अंदर, होटल होटल के अंदर जाएगा अभी तो तेरे आराम से 2-3 हज़ार डॉलर्स का चूना लग जाएगा, जितना तू अपने टैक्सी वाले बिजनेस से कमा लेता है। इस बंदे को सब पता है, खबर सब है इस बंदे को। तो यहाँ से भी अपन यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन भाई यहाँ से पुलिस आ रही है, कहीं ऐसा ना हो पुलिस अपन को अरेस्ट कर ले, हर जाना अलग ले, जेल में अगर अलग रहना पड़े अपन को। तो कहीं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और भाई कोई ढंग की जगह मिल जाए नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं रुकना, खुले के अंदर गाड़ी नहीं रोकनी। और भाई अरे पुलिस वाले भैया थैंक यू यार आपने यहाँ पे निकाला, ओ भाई पुलिस स्टेशन है, नहीं 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 सॉरी सर मैं गलती से अंदर जा रहा था, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। और भाई यहाँ पे जगह है क्या, यहाँ पे नीचे घुस जाऊँ मैं? नहीं यहाँ पे भी जगह नहीं है। तो यहाँ से भागते, और भाई एक गाड़ी बड़ी है, ये लोकेशन मैं याद रख लूँगा, ठीक है? ये लोकेशन मेरे को याद हो गई, अब कभी भी गाड़ी चोरी करनी होगी तो हम इस लोकेशन पर आएंगे। और भाई ये बिल्डिंग, लेकिन यार यहाँ पे ना एक दिक्कत है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर अपन कोई भी गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो अपने सीसीटीवी कैमरा हो जाएगा। और ज़्यादातर महंगी गाड़ियाँ जो होती है कंपनी उसके अंदर जीपीएस लगा कर देती है, ताकि जो उनका ओनर है वो ट्रेस कर सके। अपन जीपीएस वाला काम नहीं करते, क्या पता अपन को भी वो गाड़ी वापस चाहिए हो। और तुम्हें बता दूं कि अभी तुम्हें लग रहा है कलर चेंज है, हाँ कलर चेंज है, मैं कलर चेंज करवाया है, पास में मिकेल है, मिकेल पैलेस करके एक शॉप है, उस वो करवा देती है, और वो कुछ $87 लेती है। तो मैंने $87 के अंदर एक फिल्म चढ़वा दी है, एक्चुअली मैं कलर नहीं है, एक डार्क फिल्म है जो कि ब्लैक कलर की है, और जैसे मेरे पर्पल लाइट पर्पल पेंट पर आई तो डार्क पर्पल हो गई। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उस लाल वाले बटन को दबा दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे। तो खत्म करके इस वीडियो को, मिलता हूँ तुमसे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।